The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, kaise hain aap? Dosto, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे, और बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, और एक एस्पेक्ट रह गया था कोरोना वायरस के और बच्चों को लेके। क्या बच्चों को, आपने देखा होगा बच्चों के बारे में ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है और बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं है कोरोना के चलते, बिकॉज बच्चों के उतने ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं हो रहे। जी हाँ, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कोरोना वायरस नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। बच्चों में उसका कोरोना वायरस के सीरियस हो जाने के रेट बड़ों के मुकाबले और ज़्यादा कम है। बच्चों में डेथ रेट तो बहुत ही कम है, लेकिन पॉसिबल है बच्चों में अगर कोरोना वायरस हो जाता है। देखिए, होता तो एक बराबर ही, एक जैसे ही, जिस तरह बड़ों में फैलता है बिल्कुल वैसे ही बच्चों को फैल सकता है, बड़ों से बच्चों को फैल सकता है, कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ड्रॉपलेट से हो सकता है, और इस तरह से आपको बच्चों के लिए भी सेम प्रिकॉशंस रखने हैं। मगर खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को कोई कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो तो उनको क्या सिम्टम होंगे, उनके टेस्ट कब करने होंगे, स्टडी में किन बच्चों को ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको एडमिट करना पड़ेगा, क्या साइंस हम देखें जिससे वार्निंग साइंस बच्चों में, उनकी बात हम करेंगे। बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं उसकी बात करेंगे, और ट्रीटमेंट की आखिरी में हम बात करेंगे आज, और इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, अगर मदर को, किसी मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को पॉजिटिव निकल आता है तो क्या उसके बच्चे में ट्रांसमिट होता है। बाय द वे, डू यू नो के दो साल के नीचे अगर बच्चा है, दो साल से नीचे का बच्चा है, तो उसको मास्क नहीं पहनाना है, कोई मास्क नहीं, कोई फेस कवर नहीं पहनाना है दो साल से नीचे का अगर बच्चा हो तो। पता है क्यों? व्हाई? दिस इज बिकॉज वो बच्चे के ज्यादा चांसेस, ज्यादा रिस्क है सफोकेट हो जाने के। उस बच्चे को ज्यादा रिस्क होगा, दो साल से नीचे बच्चे को सफोकेट होने का रिस्क ज्यादा है। उसको रैदर हम वैसे प्रोटेक्ट करें, घर पे रखिए, बाहर ना निकालें, ऐसे काम करें दो साल से नीचे, और एक्सपोजर उस तरह से रोके, लेकिन फेस मास्क नहीं देना। अब बात करते हैं अगर सिम्टम हो जाए किसी बच्चे को तो क्या होगा। अगर बच्चे को सिम्टम हो तो बच्चे को, देखिए, ये वायरस या तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर या लोअर, अपर में जाएगा तो गला खराब करेगा, बुखार, फीवर, कफ, गला खराब, खांसी आ सकती है बच्चे को, और जनरलाइज सिम्टम वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती, थकावट रह सकती है, वो सब तो रहे। अगर नीचे चला गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो सांस फूलने लग सकती है, सांस में आवाज़ें आ सकती है, बच्चे के हाथ पैर में नीलापन आ सकता है, उसे साइनोसिस कहते हैं, उसके खाने पीने में इंटरेस्ट कम हो सकता है, खाना पीना कम हो सकता है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पेट के सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चे के पेट में, उसको डायरिया हो सकता है, उसको नौजिया, वॉमिटिंग, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो और सबसे बड़ी बात बच्चों में यह है कि बच्चों में यह देखा गया 75% केसेस जो हैं एटिपिकल होते हैं, एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, उनके टिपिकल बड़ों के जैसे सिम्टम नहीं होंगे। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें या सीरियसनेस की बात करें तो बच्चों में यह देखा गया है, अगर आज तक की चाइना, अमेरिका, इन सब की स्टडीज निकाल के आप देखोगे तो रिसर्च स्टडीज में अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज 55% आपके बच्चों को या तो कोई सिम्टम ही नहीं होगा या माइल्ड सिम्टम होंगे। 55% केसेस में बहुत माइल्ड सिम्टम होंगे, यानी लंग के भीतर अंदर जाएगा भी नहीं, बहुत नीचे निमोनिया भी नहीं होगा उनको। 39 केसेस तक उनको मॉडरेट सिम्टम होंगे, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का निमोनिया हो सकता है, एक्सरे में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। मतलब 55 और 39 मतलब अराउंड 94, या मान लीजिए 94% तक बच्चों को कोई मेजर बीमारी नहीं होगी। 94% चांस है बच्चों को कोई मेजर बीमारी नहीं होगी, इसीलिए बच्चों के लिए रिस्क कम है, जीरो नहीं है,
5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनमें सिवियर बीमारी हो सकती है, मतलब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो हम सैचुरेशन प्रोब से देखते हैं, वीडियो में बताया हमने, वो कम हो सकता है 5% केसेस में। उनके पेरिफेरल साइनोसिस यानी कि हाथ पैर नीले पड़ने के साइंस हो सकते हैं। अब देखा क्या गया है कि 1% से कम बच्चे, 1% से कम बच्चे एक्चुअली सीरियस हो सकते हैं। उनको शॉक यानी कि उनका ब्लड प्रेशर प्रॉपर ना बन रहा हो और रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिससे जान का खतरा बन सके, चाहे आप उसे रेस्पिरेटरी फेलियर बोलिए, उसके साथ में किडनी फेलियर जिसमें पेशाब कम आने लगेगा, हार्ट फेलियर जिसमें के शॉक होने लगेगा, बच्चा बेहोश होने लगेगा, ऐसी चीजें हो सकती है। और एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि मल्टीपल इंफ्लामेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स में इंफ्लामेशन हो रहा है कोरोना की वजह से, MIS-C, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद दिस काइंड ऑफ अ डिजीज, लेकिन उसके भी चांसेस जो है कम है, इतने 1% से भी कम है। और एक स्टडी में यह देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में हॉस्पिटलाइज, ऑब्वियसली जितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है उन पे ही स्टडी की जा सकती है, घर जाके तो स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में जब स्टडी की गई तो यह देखा गया कि ज्यादातर ऐसे उम्र के बच्चे यानी या तो एक साल से कम उम्र के बच्चे भर्ती हो रहे हैं, या तो फिर 15 से 25 साल के बीच की उम्र के बच्चे जो है वो एडमिट हो रहे हैं, यंग टीनेजर्स एडमिट हो रहे हैं ऐसे। और ये देखा गया है ज्यादातर वो बच्चे एडमिट हो रहे हैं जिनको कोई ना कोई अंडरलाइन प्रीवियस कंडीशन, या तो उनको कोई अस्थमा हो, या तो उनको कोई पुरानी जेनेटिक बीमारी हो, या तो कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, या कोई एक्चुअल बर्थ कंट्रोल कुछ कैंसर कुछ हो, ल्यूकीमिया हो, ब्लड कैंसर, ऐसी कोई पहले से बीमारी हो, उनको थोड़ा सीरियस बीमारी होने का माइल्ड सा रिस्क ज्यादा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनको इन्फेक्शन जल्दी होगा, होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसीलिए उनको एडमिट किया जाता है, एडमिशन का रेट ज्यादा है। और एडमिशन का उद्देश्य है रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ताकि उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाए, उनके टेस्ट किए जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात आती है कि ऐसे में टेस्टिंग किसकी होनी चाहिए। पहला चार कंडीशन दी गई है बच्चों के टेस्टिंग में जो कि बड़ों के जैसे सिमिलर, एक्सेप्ट नियोनेट्स के लिए कम है। नियोनेट मतलब जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, जो अगर कोई बच्चा एक कोरोना वायरस नेगेटिव मदर से पैदा हुआ है और वो नियोनेटल ICU में है तो उसकी टेस्टिंग कंपलसरी जरूरी नहीं है। ये रिकमेंडेशन है सारे मेडिकल फील्ड के। पहली रिकमेंडेशन है कि अगर कोई बच्चे को सिम्टम है और उसको कोई अंडरलाइन कंडीशन है, कोई पुरानी बीमारी है जो उसको हाई रिस्क में डालती है, तो उसका टेस्ट होना चाहिए ताकि हमें पता रहे भाई उसको किस तरह से हाई उसको ICU में केयर देना है, कैसे देना है। सेकेंड, अगर बच्चे को पॉजिटिव कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको एक्चुअली है कोरोना, उसके साथ 14 दिन के अंदर अंदर लास्ट 14 दिन में उसका कॉन्टैक्ट हुआ है और उसको सिम्टम आए हैं, तो उसका टेस्ट होना चाहिए। वैसे तो सिम्टम नहीं भी आए तो भी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल सिम्टम्स आने पर ही टेस्ट हो रहे हैं। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ही एकदम सिवियर कंडीशन, सिवियर बीमारी में प्रेजेंट होता है, अस्पताल में आता है, तब उसके टेस्ट होने चाहिए कि सिवियर बीमारी कहीं कोरोना से रिलेटेड तो नहीं है। कई बार मल्टीपल बीमारी होती है कोरोना के साथ, दूसरा इंफेक्शन होता है, मगर बच्चों के केसेस में मोर देन 90-95% केसेस में, 94% केसेस में ऐसा नहीं देखा गया। 6% केसेस में देखा गया कि सेकेंडरी इंफेक्शन है, ज्यादातर उनको एब्डोमिनल ईकोलाई या ऐसे दूसरे इंफेक्शन देखे जाते हैं। So, बच्चों में इन्फेक्शन हो सकते हैं, बच्चों में दिक्कत हो सकती है, बच्चों में आप लेकिन वार्निंग साइन देखिए, ज्यादातर जैसे मैंने कहा 94% केसेस सीवियर नहीं होंगे तो 94% चांस है अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। तो 94% माइल्ड और मॉडरेट भी केस हुआ, थोड़ा बहुत निमोनिया भी हुआ, तो भी बच्चे को घर में ट्रीट किया जा सकता है, घर में यानी क्लिनिकल बेसिस पे ट्रीट किया जा सकता है और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन घर में आप है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स देख लेते हैं, नर्सेस देख लेते हैं, घर में आपको वार्निंग साइन देखना होगा। वार्निंग साइन क्या, उन 5% केसेस के लिए आपको वार्निंग साइन देखने होंगे कि सांस में दिक्कत बढ़ तो नहीं रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ तो नहीं रही, सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो नहीं हो रहा, छाती में दर्द तो नहीं पैदा हुआ, हाथ पैर नीले तो नहीं पड़ रहे हैं, किसी प्रकार के शॉक के साइन तो नहीं आ रहे हैं, यानी कोल्ड क्लैमी लिम्स, बच्चों के हाथ ठंडे तो नहीं पड़ रहे, हाथ ठंडे और एकदम कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, बच्चा लिथार्जिक तो नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये सारी पेशाब कम तो नहीं हुआ, ये सारे साइंस आपने देखते रहने, राइट। खाना पीना अच्छे से खा रहा है कि नहीं खा रहा, बच्चा खुश है, खेल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो ये जरूरी साइंस देखने हैं। ट्रीटमेंट बच्चों का बड़ों का सेम टू सेम है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में और सिवियर केस, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में घर पे ट्रीटमेंट होगा और सिवियर केसेस में अस्पताल में ट्रीटमेंट करेंगे
पीडियाट्रिशियन, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डॉक्टर, खुद डॉक्टर मत बनिएगा, इधर उधर के ट्रायल्स मत दीजिएगा, अपने बच्चों के डॉक्टर से बात करिए, एक फोन कॉल मारिए, फोन पे ट्रीटमेंट लीजिए, उनको लग रहा है सीवियर है तो अस्पताल भर्ती करिए, जाके दिखाइए, उतना आपको करना पड़ेगा। बच्चों का ट्रीटमेंट, बड़ों का ट्रीटमेंट सेम बराबर है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ सकता है, फ्लूइड देना पड़ सकता है, और बाकी मेडिसिन जो है पीडियाट्रिशियन के इंस्ट्रक्शन के, आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार दीजिए, वैसे मत करो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कोरोना वायरस इन चिल्ड्रन। आई होप अगर ये आपको समझ आई, नहीं समझ आई फिर देख लो, समझ आई है तो पहले लाइक करो, शेयर करो, शायद किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।